वी ऑल नो कि हम अपने स्टार से कितना प्यार करते हैं एंड उनको कॉपी करने की कितनी कोशिश करते हैं, लाइक उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका ह्यूमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या कभी हमने सोचा है कि वो कौन सी फ्रेगरेंस यूज कर रहे हैं? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, पर वन फाइन डे आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड दिस रील पॉप्ड अप। Thing that I love about Shahrukh, I think I've said this before, I think he smells really good. Yeah, actually he does smell okay. There's one thing about Shahrukh, he smells like amazing. Amazing. Inme se koi bhi nahi. Matlab ki itna good ki maine Pooja se ek din jaake pucha tha, what cologne does he use? I personally was really fascinated. Kaisi kaun si fragrances kitni tareef ho rahi hai. I searched on Google and I got answers. But I was confused ki kya ye wahi perfumes hai jiski itni tareef ho rahi thi. But thanks to algorithm of Instagram and Zuckerberg bhaiya ki mujhe ye reel dikhai unhone. Diptyque, and I mix it with Dunhill, which you don't get normally. You have to go to a store, but you'll still not smell as good as me, because when it mixes with my sweat, the sexiness that comes out of it. Actually, both Dunhill and Diptyque are wanting to bottle my sweat, so I may be doing that. But yeah, but I mix a lot of work. अब इतना तो तय हो गया था कि ऐसा के कौन सी परफ्यूम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा की यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी सस्ती तो होगी नहीं, बहुत महंगी है, तो अफोर्ड कैसे की जाए। अब यहाँ पे रोल आता है आज के स्पॉन्सर्स का, जो कि है perfumestyle.com, जिनके पास मोर देन 500 डिजाइनर ब्रांड्स के सेंट का कलेक्शन है, जो कि इंस्पायर्ड है ओरिजिनल सेंट से, जिसकी वजह से ये परफ्यूम्स 80-90% तक सिमिलर है। और आप कहोगे कि ये तो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं झूठी बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने पहले भी एक perfumestyle.com पे वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने खुद अपने पैसों से सेंट्स ऑर्डर करके शोरूम पे जाके उसके ओरिजिनल सेंट से कंपेयर करा था, एंड फॉर मी दे वर एग्जैक्टली द सेम, 100% सेम। प्लीज वॉच दिस क्लिप। मुझे चेक करना है कि इनकी सेंट और जो शोरूम पे रियल है, जैसे अरमानी कोड का जो रियल परफ्यूम आता है उसकी सेंट, क्या ये दोनों मैच भी करते हैं या ये साइट ऐसे ही बेवकूफ बना रही है? मैंने शोरूम से अपने लेफ्ट हैंड पे स्प्रे करा लिया था, अब जो मैंने परफ्यूम स्टील से मंगाया था वो अपने राइट हैंड पे लगा के दोनों को कंपेयर करूंगा। एग्जैक्ट सेम है। सो टुडे दे वर सो जेनरस कि उन्होंने एसआर के वाले दोनों परफ्यूम्स मुझे सेंड कर दिए हैं, एंड आज हम उन्हीं को अनबॉक्स करेंगे और टेस्ट करेंगे। देखते हैं यार ऐसे कौन सी सेंट है जिसको इतनी तारीफ मिल रही थी। सो perfumestyle.com इज अ वेबसाइट दैट हैज अ कलेक्शन ऑफ इमिटेशंस ऑफ मोर देन 500 इंटरनेशनल एंड स्पेशली फ्रेंच सेंट्स व्हिच कम्स एज परफ्यूम स्प्रेज और परफ्यूम ऑयल्स and which are 100% vegan. Yes, I should repeat that, 100% vegan. तो ये है इनकी साइट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बॉटल्स की फ़ोटो एंड नेम्स यूज़ किए गए हैं वो सिर्फ कस्टमर को गाइड करने के लिए हैं, ताकि ही और शी कैन कॉम्प्रिहेंड द नोट्स एंड फ्रेग्रेंसेस। मोर ओवर दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स एज ओरिजिनल और इवन अ कॉपी। दे आर ओनली 80-90% सिमिलर, देयरफॉर दे डू नॉट वायलेट एनी कॉपीराइट लॉज। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई दिस। पहले मैं सिंगल सिंगल यूज़ करूँगा एंड उसके बाद मिक्स करके ट्राई करेंगे जैसे एस आर की यूज करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं डनहिल को। हेयर वी गो।
दूसरा हम ट्राई करेंगे डिप्टीक, तो जो डनहिल की स्मेल है वो थोड़ी स्पाइसी स्मेल है और जो डिप्टीक की स्मेल है वो थोड़ी रोज टाइप में जा रही है, थोड़ी रोज टिंट आ रहा है उसमें। अब इनको मिक्स करके ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डनहिल ट्राई करा था, इसी के ऊपर मैं डिप्टीक डालता हूँ, देखते हैं हाउ इट स्मेल्स। आज की वीडियो से एक चीज सीखी है कि कभी कभार परफ्यूम्स को मिक्स करके ट्राई करना चाहिए, एक अलग ही नई स्मेल आती है जो कि दोनों परफ्यूम से बेटर होती है। ऑफ कोर्स दिस वन इज द बेस्ट, मिक्स करके बेस्ट है, एंड अगर सिंगल सिंगल यूज करना चाहे तो मैं यूज करूंगा डनहिल, लेकिन मिक्स करके तो लेवल यहाँ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू चेक द वेबसाइट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड अगर आप कुछ मंगाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कौन सी सेंट मंगाई एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।